देखो बच्चों, मैं आज सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ा रहा हूँ। ये आपके पास एल हो गया प्रेरकत्व कॉइल, ये हो गया संधारित्र, और ये हो गया आपके पास प्रतिरोध आर के मान के बराबर। इसमें मैंने यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को लगाया हुआ है। इसके अक्रॉस जब धारा वोल्टेज वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ से प्रवाहित होती है, तो ये हो गया आपके पास प्रतिरोध आर, संधारित्र सी, और ये हो गया इंडक्टिव कॉइल एल। इसके बीच का प्रतिरोध वी आर विभवांतर वी आर, ये कितना हो गया वी सी, ये कितना हो गया आपके पास वी एल के मान के बराबर हो गया। अब अगर अपन देखें तो आपको मालूम है कि प्रतिरोध में धारा आई और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में चलता है। संधारित्र में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री कैसी होती है, आगे चलती है, ठीक। ये इसमें धारा आई वोल्टेज से, ये हो गया आई, ये हो गया वी सी, और इंडक्टिव कॉइल में वोल्टेज, ठीक है, धारा से कैसा होता है 90 डिग्री आगे चलता है। इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, अगर मैं इसको लेके चलूँ मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इसमें धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता चल रही है। इसको अगर मैं इस डायग्राम में शो करूँ तो मैं एक काम करता हूँ, अगर आई इधर चला जाएगा, जब मैं प्रेरकत्व कॉइल लेते चलता हूँ तो ये अगर आई है तो वी एल मेरे पास आगे चला जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम में आप वो तो देखिए धारा और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में, इसमें धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है, इसमें वोल्टेज धारा से 90 डिग्री कैसा होता है आगे चलता है। अगर मैं इस पूरे को कंबाइन कर दूं तो आप वो देखिए, ये हो गया वी आर धारा आई के मान के बराबर, ठीक। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये वी एल ले लेता हूँ, ये मेरे पास कैसा आ गया वी सी के बराबर हो गया। यदि वी एल बड़ा है किससे, वी सी से, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, वी एल माइनस वी सी के मान के बराबर आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये आपका यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेता हूँ ओ ए बी सी, परिणामी वोल्टेज मेरे पास ये आ जाता है, ये यहाँ से एंगल फाई बनाता है मान लीजिए, ठीक। तो ये मेरे पास कितने के इक्वल हो गया, वी एल माइनस वी सी के मान के बराबर आ जाता है। इसको मैं फेजर डायग्राम कहता हूँ। तो इस डायग्राम में होता, देखिए इन डायग्राम ट्रायंगल ओ ए बी, परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज ये हो गया वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितने के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर के मान के बराबर आ जाएगा।
तो मेरे पास ये जो बी आता है वी को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। अब चूंकि वी आर इक्वल टू कितना आता है आपके पास, आई इंटू आर, वी एल कितने के इक्वल हो जाता है हमारे पास, आई इंटू एक्स एल के बराबर हो जाता है, और वी सी बराबर कितना आ जाता है, आई इंटू एक्स आर एक्स सी के मान के बराबर आ जाता है। मैं यहां पर ये मानू कि परिणामी वोल्टेज है वी है, तो वी इक्वल टू कितना जाता है, आई इंटू जेड के मान के बराबर हो जाता है। यहां पर जो जेड होता है इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इम्पीडेंस बोल देता हूँ। तो ये कैसा हो जाएगा, इम्पीडेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई इंटू जेड इक्वल टू अंडर रूट, इसमें वैल्यू रखो, आई इंटू आर होल स्क्वायर प्लस आई एक्स सी माइनस आई एक्स आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी होल स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आई इंटू जेड इक्वल टू आई इंटू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये वाली कंडीशन आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर के मान के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल आ गया। अब आप होते देखिए इस पूरे में, इस पूरी कंडीशन को, या इसको हम क्या बोल देते हैं, एमपे डेंस हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स एल इक्वल टू कितना आ जाता है, ओमेगा एल, और एक्स सी इक्वल टू कितना आ जाता है, वन अपॉन ओमेगा सी। इसलिए जेड यहाँ पर कितने के मान के बराबर होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा वन अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर के मान के बराबर आ जाता है। इसको हम परिपथ का इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि इसमें क्या हो रहा है, ठीक धारा की वैल्यू निकालूं तो धारा में मेरे पास कैसा हो रहा है, वी एल ग्रेटर देन वी सी, इसलिए धारा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई के मान के बराबर आ जाती है। जहां हम टेन फाई निकालें तो ये टेन फाई हम अगर इसको निकालते हैं तो देखिए मेरे पास इस डायग्राम में टेन फाई निकालूं तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर के मान के बराबर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर के मान के बराबर आ जाता है। इसलिए टेन फाई बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से आई निकाल लीजिए, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आई इंटू आर, आई आई कैंसिल, तो टेन फाई यहां पर आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर की वैल्यू के इक्वल। ये टेन फाई की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो ये धारा के मान के बराबर हो जाता है। सभी छात्र इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन के पर्पस से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।